और सबसे अच्छा शब्द है तन स्वास्थ्य, मन स्वास्थ्य, धन स्वास्थ्य, संबंध स्वास्थ्य, प्रकृति स्वास्थ्य, वैभव से संपन्न जो भी चाहिए ब्राह्मण जीवन में, प्राप्ति वस्तु कुछ भी नहीं है उसके लिए एक ही शब्द बाबा ने जो मुरली में कहा है, सफलता। क्या बोलो, बोलो ना। जैसे मकान बनाने के लिए चार खंभे चाहिए, कुर्सी में बैठने के लिए, मजबूत के लिए चार कोना चाहिए, जैसे चार दिशाएं हैं ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, उसी तरीके से सफलता। ये सफलता शब्द आपके अंतर मन में अगर प्रवेश कर जाए, सुबह सुबह सफलता ही सफलता। बोलो, अरे थोड़ा एक्टिंग कर लो, एक्टिंग सीख लो, सफलता ही सफलता ही सफलता, सफलता ही सफलता, सफलता ही सफलता, सफलता ही सफलता, सफलता ही सफलता। बोलो ना, सफलता ही सफलता, सफलता ही सफलता, सफलता ही सफलता। मैं कहता हूं ये शब्द, ये जो गाना है, अगर आप बार बार, बाबा के शब्द है सारे, अगर ये अंदर मन में चला जाए आपके जीवन में चार चांद नहीं 64 चांद मिलने लगे। कितने किसी ने बोला भाई साहब ये 64 चांद क्या होता है, मैंने कहा चार चांद क्या होता है, बोला वो तो कहावत है, ये भी कहावत है, चांद तो एक ही होता है, एक चांद की रोशनी से पूरा धरती रोशन हो जाता है कि नहीं। अगर चार चांद होगी तो क्या होगा, उसकी जगह 64 कर दो, उससे भी ज्यादा कर सकते हो। तो कहने की ब्राह्मण जीवन में खुशियां खुशियां खुशियां, संपन्नता, सफलता। तो इसलिए हमारे मन में जो संकल्प चलते हैं, पहला संकल्प को फॉलो करना है,